यूट्यूब में काफी ट्रेंड चल रहा है कि ब्लॉग में अगर आपके साथ बच्चा नहीं है तो वीडियो आपका वायरल नहीं होगा। क्या ये सच बात है? अगर आप लोग से हम पूछना चाहेंगे तो क्या आप बताइए? फ्रेंड स्वागत है आप लोग को फिर से एक नया ब्लॉग में। स्वागत तो आज का इस ब्लॉग हर एक ब्लॉग से कुछ हटके होगा। तो अभी टाइम 7:20 हो चुका है और देखिए अभी का मौसम, ये देखिए पूरा कुहासा किया हुआ है। और हमको लगता है अभी नेट पे देख रहे थे तो 2-3 दिन पूरा पानी दिया हुआ है, पता नहीं पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो मौसम देखिए आज का काफ़ी हर एक दिन से हटका मौसम है। और आज हम जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि 8 बजे ही मेरा ट्यूशन था, तो हम सोचे कि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ट्यूशन छूट जाता है और उठते हैं हम। डेली का उठना वही 8-9 बजे था क्योंकि उस टाइम तक खाना बन जाता था, तो अभी तो खाना बना नहीं है, तो कहीं हम जाके समोसा वमोसा खा लेंगे और ट्यूशन आज का चल जाएंगे। और 1 जनवरी आने वाला है तो हमको लगता है ट्यूशन आज भर ही होगा और छुट्टी कर दिया जाएगा, तो हम लोग चल जाएंगे फिर गांव। और उसके बाद वहां का ब्लॉग हम आप लोग को बताएंगे। जो एक ब्लॉग हम आप लोग को बताए हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग लिख के आप लोग देखिएगा मेरा चैनल पे, वहां वीडियो आया हुआ है। तो उसके बाद फिर हम यहां से जाएंगे और गांव का फिर वीडियो हम आप लोग को ज़रूर देंगे। और 1 जनवरी में कहाँ पिकनिक जाएंगे उसके बारे में हम आप लोग को पूरे डिटेल से जानकारी देंगे, और कैसे 1 जनवरी में मस्ती करते हैं सारा आप लोग को ब्लॉग में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इसके सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो अभी बज रहा है 7:20, उसके बाद ट्यूशन हम जाएंगे 8 बजे, उसके बाद 8 बजे से 10 बजे हम आएंगे फिर रिटर्न। उसके बाद फिर आप लोग को दिन भर का ब्लॉग आप लोग को दिखाने वाले, तो अपने रहिएगा कहीं जाइएगा मत। और जाते हैं अभी हम ट्यूशन, और ट्यूशन से आके उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। और हम ट्यूशन जाने वाले हैं अपना बाइक KTM ड्यूक 200 से। चलिए फिर ट्यूशन जाने टाइम आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों ट्यूशन के लिए हम निकल चुके हैं, देख सकते हैं हम अपना बाइक पे हैं। और हम शाम में भी खाना नहीं खाए थे तो सुबह अभी 8 बज चुका है और हमको आना है 10 बजे। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सुबह सुबह में समोसा, तो चलिए यहाँ पे पहले समोसा वमोसा खा लेते हैं, उसके बाद ट्यूशन के लिए निकलते हैं और फिर ट्यूशन में पहुँच के आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना सारा हो चुका है और अभी निकल चुके हैं हम ट्यूशन के लिए, तो देखे जा रहे हैं। और चलिए फिर ट्यूशन में जाके मिलते हैं आप लोग से। तो फाइनली दोस्तों अभी हम ट्यूशन से आ गए हैं रूम, देख सकते हैं रूम में है अभी। और जब तक हम आए तब तक भाई खाना बना के पूरा तैयार कर दिया है, लेकिन अभी हमको भूख नहीं है क्योंकि हम कुछ खा के गए थे ट्यूशन, इसलिए थोड़ा देर बाद हम खाएंगे। और आप लोग से एक बात करना था कि अभी यूट्यूब में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि ब्लॉग में अगर आपके साथ बच्चा नहीं है तो वीडियो आपका वायरल नहीं होगा। क्या ये सच बात है? अगर आप लोग से हम पूछना चाहेंगे तो क्या आप बताइएगा? हमको तो कहना है अगर मेरा साथ बच्चा नहीं है तो क्या मेरा वीडियो वायरल नहीं हो सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये सच बात है या झूठ बात है, क्योंकि जितना भी वीडियो हम देख रहे हैं ब्लॉग जो बना रहा है वो बोल रहा है आपके साथ छोटा बच्चा है तभी आपका वीडियो वायरल होगा। कल ही हम देखे कि मनोज देव भी ये वीडियो डाले थे, उसका वीडियो हम रेगुलर वॉच करते हैं, तो उदाहरण डाले थे कि आपके साथ बच्चा होगा तभी आपका वीडियो वायरल होगा, नहीं तो ब्लॉग वीडियो आपका वायरल नहीं होगा। तो क्या यह सच बात है? हमको जानकारी लेना है। तो चलिए यही टॉपिक था मेरा, कि मेरा मन में आ रहा था कि नहीं इसके बारे में हम लोग को बात करना चाहिए, तो हम बता रहे हैं आप लोग को। तो चलिए फिर आगे के और जाते हैं, हम अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरा ब्लॉग में बच्चा रहे या ना रहे हम तो वीडियो रेगुलर बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, और आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलता ही रहेगा। तो चलिए फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग अपना, तो बने रहिएगा। और अभी हम कुछ काम करेंगे तो काम करके उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों सारा काम हम कर चुके हैं और जा रहे हैं अभी खाना खा लेते हैं। और सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत दिन से फोटो शूट पे नहीं गए हैं तो फोटो शूट करा लेते हैं, लेकिन अभी दिखाते हैं बाहर का मौसम कैसा है, दिखाते हैं इधर।
देख सकते हैं जिस तरह से सुबह मौसम था उसी तरह से अभी भी मौसम वैसा ही है। थोड़ा धूप निकल जाता तो अच्छा रहता, जिसमें फोटो अच्छा क्लियर आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखते हैं धूप अगर आ जाता है तो अभी टाइम 11 बज रहा है, हम लोग फोटो शूट में चल जाएंगे, आप लोग को ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे कैसे हम लोग फोटो शूट करते हैं। तो बने रहिएगा और चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर दिखा। चलिए देखते हैं खाना में क्या क्या बना हुआ है, अभी तक तो हम चेक नहीं किए हैं। तो ये है आलू और बैंगन का तियन और इधर भात है। तो चलिए पहले खा के पूरा ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि फ़ोटो शूट में जाना है या नहीं जाना है मौसम के अनुसार। तो फैमिली दोस्तों खाना पीना सारा कुछ हो चुका है और मौसम देख रहे हैं थोड़ा कुछ सही किया है तो सोच रहे हैं कि जाते हैं फोटो शूट के लिए। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये जो हुडी है आप लोग देख रहे होंगे, सारा वीडियो में आप लोग को ये देखने को मिलता होगा, जिस दिन से हम लिए हैं उस दिन से इसको साफ नहीं किए हैं तो काफ़ी गंदा हो चुका है। और इधर देखिए दो दो चार जींस है वो भी सारा गंदा हो चुका है, तो हम सोच रहे थे साफ कर देते लेकिन मौसम देखते हैं धूप नहीं होगा इसलिए सोच रहे हैं कि आज नहीं साफ करेंगे कल साफ कर देंगे। तो चलते हैं आज तो थोड़ा फोटो वोटो करा कर लेते हैं, उसके बाद कल का प्रॉपर साफ करके 1 जनवरी में मस्ती करेंगे। तो चलिए दोस्त लोग को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, अगर जाने के लिए तैयार होगा तो फिर चलते हैं फोटो शूट के लिए। तो बने रहिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों फोटो शूट के लिए तैयार हो चुके हैं हम लोग और जाने वाले हैं, और सारा दोस्त लोग भी तैयार हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं फोटो शूट के लिए और आप लोग को दिखाएंगे सारा फोटो, आप लोग को अपडेट कर देंगे। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में सारा फोटो आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक और चलिए फोटो शूट के लिए हम लोग जाते हैं, चूँकि बहुत दिन से नए गए हैं, जब से हम नया हेलमेट लिए हैं उस दिन तो गए ही नहीं हैं। तो चलिए निकलते हैं फोटो शूट के लिए और देखिएगा आप लोग।